अस्सलाम वालेकुम, मैं हम सलमान चिश्ती और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन लैब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पांच ट्रिक्स के बारे में जो कि व्हाट्सएप के हवाले से हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और खुफिया हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन लैब सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक हमारा ये है कि हम किस तरह अपने दोस्तों का मैसेज जो हमें दोस्त भेजते हैं या कोई भी भेजता है तो बगैर देखे बगैर उसे पता लगे हम उसका मैसेज पढ़ सकते हैं और उसको पता भी नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में, और उसके बाद हम अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स में प्राइवेसी में जाएंगे और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं रीड लिखा हुआ है और मैंने इसे ना अनेबल डिसेबल किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप उसका मैसेज पढ़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो आप उसका मैसेज पढ़ेंगे लेकिन उसे पता नहीं चलेगा। तो ये हमारा पहला ट्रिक। तो हम दूसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं कि आज कल हैक का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। हर बंदा आपका मोबाइल हैक कर लेता है, व्हाट्सएप हैक कर लेता है तो पता भी नहीं चलता, और वो हमारे प्राइवेसी चीज़ें देख रहा होता है और हमारे घर की चीज़ें या कुछ भी देख रहा होता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि यार हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया है कि नहीं। तो इसको हम ख़त्म कैसे होगा, ख़त्म करने के लिए हम इसको टू स्टेप में जाएंगे। टू स्टेप वेरिफिकेशन में जाके हम इसे सिंपली अनेबल कर देंगे और यहाँ पे कोई भी कोड दे देंगे। तो फिर यहाँ पे कोड देना है हमने, यहाँ पे अपना ईमेल दे के, और वो आपको अनेबल कर देंगे। तो इससे आपका कोई भी व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकता। तो तीसरा हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरह अपना डाटा सेव कर सकते हैं। किसी के पास एमबी कम है या किसी के पास एमबी लिमिटेड है या ख़त्म होने वाला है पैकेज, तो उसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं, या वो पहले से ही अपना डाटा कवर करना चाहता है। तो उसका ट्रिक ये है कि हम डाटा इंश्योरिंग में देंगे और वहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर लो डाटा पे क्लिक कर देंगे, जो मैंने पहले से किया हुआ है लो डाटा पे। और उसके बाद यहाँ पर हम आके अगर आपके पास ऑटो डाउनलोडर किसी के जो चीज़ें कोई भेजता है तो वो ऑटो डाउनलोड हो जाती हैं, बगैर इंफॉर्मेशन के डाउनलोड हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता। तो यहाँ पे आप उसे ख़त्म कर दें सबको, तो डाउनलोड भी नहीं होंगी और जो आपको पसंद है आप वही डाउनलोड करें, तो इस तरह आपका डाटा सेफ रहेगा। तो चौथा टॉपिक ये है हमारा कि हम अपनी एमबी किस तरह चेक कर सकते हैं, हम अपनी एमबी किस तरह देख सकते हैं कि हमने कितनी एमबी यूज़ की है व्हाट्सएप पे और कहाँ कहाँ पे यूज़ की है, कौन से कॉन्टैक्ट्स पे यूज़ की है, कौन से ग्रुप में यूज़ की है और कितनी यूज़ की है। तो ये देखने के लिए हम अपने व्हाट्सएप में जाएंगे और यहाँ पे स्टोरेज यूजिंग में जाएंगे। स्टोरेज यूजिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा डाटा आ गया है कि मैंने यहाँ पे कितनी एमबी कहाँ पे यूज़ की है, और वहाँ पे यह भी पता चल जाएगा कि मैंने 39 एमबी जो है वो टेक्स्ट पे यूज़ की है, 48 जो है वो फ़ोटोज़ पे यूज़ की है और वीडियोस पे 89 एमबी यूज़ की है। तो इस तरह आपको यह भी पता चल सकता है कि और अपने एमबी कंट्रोल कर सकते हैं कि यार मैं इधर अपनी एमबी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसे कंट्रोल करूँ। तो पाँचवें हमारा टॉपिक ये है, पाँचवा हमारा ट्रिक ये है कि हम अपनी फाइल्स जो हैं, हम अपना फाइल्स अपने दोस्तों से कैसे छुपा सकते हैं। हम अपनी प्रोफाइल हम किसी को दिखाना चाहते हैं, किसी को नहीं दिखाना चाहते, और हर किसी के पास वो हमारा प्रोफाइल जो है वो चली जाती है, हमारा स्टेटस चले जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम सबसे पहले अकाउंट्स में जाएंगे, प्राइवेसी में जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद अब मैंने यहाँ पे अपने मी कॉन्टैक्ट्स किया हुआ है, मतलब कि सिर्फ मेरे मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट्स हैं वही मेरे प्रोफाइल देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता। अगर आपने किसी को भी नहीं दिखानी तो आप लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे, नो बॉडी पे। तो अगर आपने हर किसी को दिखानी है, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई मेरे प्रोफाइल देखे, तो आप एवरीवन पे क्लिक कर देना। तो अगर आप इसी तरह अपने अबाउट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग चेंज कर देंगे, अपने स्टेटस दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग चेंज कर देंगे, और अपनी लोकेशन के लिए भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।